Hello children, I hope you all are fine. In this video, we will do question number 5 of exercise 6.7. Hum 6.7 ka question number 5 karenge. Sabse pehle hum question read karenge. Write the fraction whose numerators and denominators are given below. Yahan par न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, हमें फ्रैक्शन बनाना है. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि फ्रैक्शन जो है उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट यू नो दैट अ फ्रैक्शन इज हैविंग न्यूमरेटर ऑन द टॉप. ये लाइन होता है, इस लाइन के ऊपर हम न्यूमरेटर लिखते हैं और इस लाइन के नीचे हम डिनोमिनेटर लिखते हैं. ओके, तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर जो लाइन के ऊपर होता है और लाइन के नीचे होता है डिनोमिनेटर. तो अगर हम यहां पर देखें इस क्वेश्चन में, तो ये लाइन है, न्यूमरेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर नीचे आता है, यहां डिनोमिनेटर क्या है 13. तो फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, 7/13. सो आंसर ऑफ दिस विल बी 7/13. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 17 है. सो सेम वे फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लाइन होता है, लाइन के ऊपर हम न्यूमरेटर लिखते हैं और इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर. तो सेकेंड वाले का, बी वाले का फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर हम, व्हाट इज द न्यूमरेटर, यहां पर न्यूमरेटर क्या है 6, तो 6 लाइन के ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर क्या है 17, 17 इस लाइन के नीचे आएगा. तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, 6/17. सो आंसर ऑफ बी विल बी 6/17. I hope you have understood.